अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। तो आज फाइनल वीडियो आ चुकी है जिसमें हम आप बेबी का बैग पैक करेंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि बच्चे के कपड़े लेके जाने हैं तो बैग तो पैक करना ही है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे साथ साथ देखें मैं बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जाती हूँ और दुआएं भी साथ साथ देना मुझे, मतलब उसके बाद फिर बेबी के साथ ही आपको वीडियो मिलेगी नई वाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बताऊंगी सेवियर ऐप के बारे में, जिसने मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बहुत हेल्प की। मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी वो मुझे डिस्काउंट विद कैशबैक मिल जाती थी। सेवियर ऐप पाकिस्तान का पहला और वाहिद कैशबैक शॉपिंग ऐप है। सेवियर ऐप बहुत से पार्टनर्स ब्रांड जैसा कि दही डॉट पी के, QNE और दराज वगैरह, मतलब फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर आपको डिस्काउंट और कैशबैक देता है शॉपिंग करने पर, और उस कैशबैक को आप किसी भी बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके सेवियर ऐप पर साइन अप कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं 250 रुपए का बोनस 1000 से ज्यादा शॉपिंग करने पर, और डिस्काउंट का डिस्काउंट, कैशबैक का कैशबैक और साइन अप करने पर बोनस भी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें जो लेके जानी है बेबी के लिए वो क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले तो ये बेबी का टॉवल हम ये लेके जाएंगे साथ में। तो ये मैंने छोटा सा बैग लिया, ज्यादा बड़ा बैग नहीं लिया क्योंकि हमने ज्यादा दूर नहीं जाना, हमारे घर के पास ही थोड़ा हॉस्पिटल है, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं लेके जा रही, इतना करीब ही है, ज्यादा लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये छोटा सा बैग है, और सबसे पहले ये हॉस्पिटल हम लेके जाएंगे ये टॉवल, और तो ये हम सबसे पहले इसमें रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये डायपर शीट, तो ये डायपर शीट है, तो ये लाजमी है जब उसका डायपर वगैरह चेंज करवाएंगे तो फिर ये नीचे रखनी पड़ेगी, इसलिए डायपर शीट एक रखेंगे हम साथ में। एक ही लेके जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कितने दिन रहते हैं, एक दो दिन ही रहेंगे बस, ज़्यादा तो रह नहीं सकते। तो ये डायपर शीट है, ये जाएगी अंदर, और जो कपड़े हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और ये बेबी को कवर करने के लिए ये वाला, ये ये मैं दो रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा है, ये भी मतलब दो दिन रहेगा तो एक दिन ये पहनेगा और एक दिन दूसरा वाला पहनेगा। तो ये वाला हम इसको कवर करके रखते हैं, इसे बेबी को अच्छे से कवर करके हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक ये वाला, ये भी है, इसको भी मैं ऐसे रख दूँगी। जितनी जितनी चीज़ें आ रही हैं मैं रखती जा रही हूँ, और ये है बेबी के बिप्स, तो बिप्स मेरे ख्याल से तीन ठीक रहेंगे, तीन दिन या दो दिन, जितने दिन वो गंदा करेगा तो वो एक दिन ये पहन लेगा, एक दिन ये, एक दिन ये, तो ये तीन मैं ऐसे ही रख रही हूँ, जैसे हैं वैसे सेम ऐसे रखी जा रही हूँ। और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या क्या रखते हैं, तो मैंने अम्मी से पूछा है, मुन्ना भाभी से पूछा है कि क्या क्या चीज़ें रखते हैं, तो इसलिए मैं जो जो उनको पता था वो ही चीज़ें मैं रखती जा रही हूँ। और ये छोटी छोटी सॉक्स, छोटी छोटी सॉक्स हैं, तो ये हम रखेंगे इस साइड पे, इस साइड पे छोटी छोटी सॉक्स इधर आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी आराम से। और ये इसके जो ग्लव्स, मतलब मिट्टन जो हैं, ये हम इधर रख देंगे आगे, तीन रख रही हूँ मैं, ज्यादा चीजें रख रही हूँ क्योंकि फिर ये होता है ना किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, गंदे हो जाए तो फिर मसला हो जाएगा कि कम लेके आए थे, ज्यादा नहीं लेके आए, इस वजह से। और ये वाला सूट जो है ये मैं रखूंगी बेबी का, ये इसका ट्राउजर, और ये उसकी प्यारी सी छोटी सी कैप, ये वाली, ये भी रखूंगी क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है, तो मैंने कहा शुरू शुरू में आ जाएगा, बाद में फिर ये नहीं आना, तो पहले मैं से यही बना दूंगी। तकरीबन मैं सूट रख रही हूँ तीन, सिर्फ तीन सूट रख रही हूँ, इस तरह ये वाला एक रख लिया, और एक ये, और एक ये वाला, सिर्फ तीन सूट, ठीक है, इतने ज्यादा क्या करने, तीन ठीक है, बेस्ट रहेंगे तीन, अगर जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे दोबारा से, दोबारा से कैसे मंगवा लेंगे। तो अभी ज्यादा सर्दी नहीं है, अभी गर्मी है, तो इस मौसम में ही कपड़े उसको अभी अभी से आ जाएंगे तो ठीक है, उसके बाद फिर विंटर आ जाएगा तो विंटर में मोटे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, तो ये कपड़े उसके बाद आने भी नहीं है, बच्चे को पता तो है, बच्चा एक महीने के बाद वो उसका
मतलब वो ग्रोथ करता रहता है तो इसलिए कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो इसको हम निकालते हैं। सबको वेट था कि कब बैकपैक होगा। चलें, छोटे छोटे से कपड़े हैं, आराम से हम इधर रख देंगे सैंडल। बच्चे के कपड़े तो आराम से आ जाते हैं। और ये वाली मैं वेस्ट रखूंगी, तो मेरे पास फुल बाजू वाली भी वेस्ट है और हाफ बाजू वाली भी वेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ फुल वाली रखूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में एसी वगैरह लगे होते हैं तो कोई पता नहीं मौसम चेंज भी हो सकता है, तो मैं सोच रही फुल वाली रखूँ, ये ना बाद में डांट पड़े मम्मी से कि तुमने ये क्या रखा है। तो मैं रखूंगी ये वाली साइड पे। और ये गर्म ट्राउजर है, पजामे हैं बच्चे के, तो इसको निकाल लें, तो ये भी रख लेते हैं, अगर ज़्यादा ठंडी लग गई तो फिर क्या बनेगा, तो इसलिए ये बेस्ट है। इसको भी रखना चाहिए ज़्यादा, मतलब इसको भी रखना चाहिए गर्म पजामों को साथ में। चलें, ये भी हो गया। और अब है फेस टॉवल। फेस टॉवल मैंने इसका रखा है, पहले जो था वो बाथ टॉवल था, और ये छोटे छोटे से फेस टॉवल हैं, क्योंकि मुंह तो साफ करना पड़ता है ना, दूध वगैरह गिर गया ही वैसे ही थोड़ा, तो ये रखेंगे हम इस साइड पे, इस साइड पे इधर रख लेते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है मतलब फेस की, तो फेस की और साथ में डाइपर और साथ में वाइप्स वगैरह की, तो वाइप्स तो लाजमी होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि बच्चे को बार बार आप गीला मुंह तो नहीं लगा सकते, मतलब गीला कपड़ा करके तो नहीं साफ कर, वाइप्स बेस्ट हैं, वाइप्स से आप सब कुछ उसका जो भी होता है वो साफ कर सकते हैं, उसकी बॉडी वगैरह, तो ये साथ में ये लाजमी जाएंगे। तो ये पता नहीं कितने लगेंगे, इसलिए मैं सारे, ये तो सारे लेके जाएंगे ना, इसको ये तो नहीं इसको निकाल के रखेंगे, आधे ले जाते हैं और आधे रख देते हैं, तो ये बेबी वाइप्स भी इधर जाएंगे। चलें, बेबी वाइप्स के, और ये उसका सोप बेबी का, तो मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। तो ये हम रखेंगे इधर, और ये रहा बेबी का शैम्पू, क्योंकि बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में बच्चों को नहलाया जाता है, बाज़ औक़ात नहीं नहलाया जाता, तो पता नहीं इस हॉस्पिटल में नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, तो इसलिए हम साथ रखेंगे, ना बाद में इंसल्ट हो जाए कि शैम्पू नहीं है बच्चे के लिए, तो ये हम साथ रखेंगे इस साइड पे। और ये है बेबी का लोशन, बेबी लोशन, तो ये हम भी, ये भी रखेंगे साथ में, खुश मतलब खूबसूरत बच्चा लगना चाहिए ना, साफ सुथरा, कोई पकड़े तो कहे वाह क्या बच्चा है। और ये है पाउडर, पाउडर भी हम रखेंगे, तो मैंने लिया है रैशेज वाला पाउडर, कि डायपर वगैरह जब लगाएं तो उसको रैशेज वगैरह हो, तो ये लगाएंगे हम उसको। और ऑयल वैसे जरूरी नहीं है, वैसे ऑयल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऑयल वैसे वगैरह ऑयल रख रही हूँ, बेबी ऑयल। और ये है मेन चीज़ डायपर, तो डायपर मैं इसको अभी ऐसे रखूँगी, मतलब खोलूँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि बच्चा कितना है डायपर इस्तेमाल करेगा। अब मैं तीन चार निकाल के रख दूंगी, तो फिर तीन चार तो एक दिन में भी लगवा, एक दिन में भी लग सकते हैं, तो इसलिए मैं सारे ही रखूंगी, ठीक है, ऊपर ही रख रहे हैं। और सबसे मेन चीज बच्चे की जो होती है वो तो कैसे हो सकता है हम भूल जाएं, तो वो है बेबी के फीडर। तो ये दो फीडर हैं, इनको अच्छे से वॉश करके इनको सुखा के हमने रख लिया, तो ये हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने दूध भी तो पीना है ना, तो ये फीडर लाजमी होते हैं बैग में, तो अगर कोई भूल जाए तो फिर नया लेना पड़ता है, तो लेकिन अपने घर से साफ से अच्छे से धो के लेके जाएं आप, ठीक है। तो ये फीडर चले गए। चले भाई, बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी हो चुका है, तो ये था हमारे बेबी का हॉस्पिटल बैग। तो जो मेरे कपड़े हैं वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो तो चंद दो तीन कपड़े होंगे, तो मैं आराम से ले जाऊंगी दूसरे बैग में। तो ये सारी प्रॉपर चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में बच्चे के लिए लेके जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ हम दोनों ने मिस कर दी, ओमेर और मैंने, वो था बेबी का नेल कटर, एक छोटा सा प्यारा सा, वो ओमेर और मैं भूल गए हैं, तो आज ही हम ले लेंगे, तो वो मैंने मिस कर दी, क्योंकि आप सब ने कहना है कि नेल कटर नहीं रखा हुआ। और जो कपड़े थे वो सारे धो के वॉश करके रखे हुए हैं, ये ना समझिएगा, और फिटर भी धो के रखे हुए हैं। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। अब आमना आपको नजर आएगी नई वीडियो में, उसमें आपको मम्मी बनती हुई नजर आएगी, जो मम्मी की मतलब मम्मी की तरह रूप होता है वैसा नजर आएगा। तो बस आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरह आप सबने मुझे हमेशा की तरह दुआएं दी हैं, मतलब हमेशा ही दुआएं दी हैं, इस तरह आप भी मुझे दुआएं दें। और आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।